गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज? यस सर। ओके सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें, टाइम हो चुका है, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम। हमने जो क्लास ली थी उसका वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा है? यस सर। जी सर। ओके, यदि कोई भी डाउट रहा करे तो आप यूट्यूब पे भी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी माइक म्यूट कर लीजिएगा, जिससे पूछेंगे वो माइक ऑन करेगा, ओके? या किसी को कोई प्रॉब्लम हो बीच में तो माइक ऑन करके बोल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। एक्चुअल में है क्या, जब हमने लूपिंग पढ़ा और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े उस समय मैंने फ्लो चार्ट का यूज किया था और मैंने बोला था कि मैं फ्लो चार्ट अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो इसलिए आज हम फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम पढ़ेंगे और इनका क्या यूजेस है प्रोग्रामिंग में, ये सीखेंगे। तो आइए, जैसे एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो नोट्स में हमने भेजे थे आपको उनमें जब भी हमने पढ़ाया है तो देखिए, ये नोट्स मैंने आपको भेजा हुआ था, इसमें मैंने फ्लोचार्ट का यूज किया हुआ था। ये नोट्स हमने भेजा था आपको और आपके पास है, इसमें जब भी हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ये फ्लो चार्ट हमने यूज किया है। इस पे हमने लूप पढ़ा तब भी फ्लो चार्ट यूज किया, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे उस समय भी हमने फ्लो चार्ट यूज किए थे। तो ये फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, किन सिंबल के माध्यम से बनते हैं, ये मैं बताऊंगा आज। और साथ में जब हमने फ्लोचार्ट आपको पढ़ाया हुआ था, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाए थे, तो उस समय मैं ये बताता जा रहा था किस प्रकार से इनकी वर्किंग प्रोसेस होती है, ओके? तो आइए मैं अब आपको फ्लोचार्ट बताने वाला हूँ। स्क्रीन दिख रही है सभी को?
ये स्क्रीन सभी को दिख रही है? जी सर। ओके। यस सर। कुछ लोग और आए हैं, इनको एडमिट कर लेते हैं, कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। देखिए फ्लो चार्ट होता क्या है एक्चुअल में। फ्लो चार्ट जो है, मैं आपको बता दूं कि फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसको ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना। क्या होता है कि यदि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आसानी के साथ समझ में आ जाता है। जैसे हमने प्रोग्राम बनाए, दो वैल्यू को एडिशन करने का प्रोग्राम बनाया, फिबोनाची का बनाया, फैक्टोरियल का बनाया, बहुत सारे हमने प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं, इनमें एक्चुअल में यदि जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो तो समझ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होती है, उनको पहले किसमें समझाते हैं हम? ग्राफिकल के रूप में। ग्राफिक, ग्राफिकल का मतलब है फ्लो चार्ट के रूप में। फ्लो चार्ट के रूप में हम उनको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं? किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर हमसे बनवाएगा, जो कस्टमर होगा, उसको तो प्रोग्रामिंग आती नहीं होगी, वो अपनी प्रॉब्लम को बताएगा, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम को समझाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम का जो मतलब है वो एक्चुअल में क्या है कि जब आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम यूज करेंगे तो उस समय आप दो तरीके अपना सकते हैं उसको समझाने के लिए, या तो फ्लो चार्ट या तो फिर एल्गोरिथम। ओके। स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस सर। ओके। देखो यहाँ पे आप समझिएगा, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एल्गोरिथम क्या होता है? प्रोग्राम का शॉर्ट रूप, यानी कि जो प्रोग्राम के रूल और इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको जब हम किसी सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। किसी भी प्रोग्राम के रूल और इंस्ट्रक्शंस को यदि हम सिंपल किसी भी लैंग्वेज, सिंपल मतलब हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। ठीक है। और एल्गोरिथम को जब ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो क्या कहला जाता है? फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्गोरिथम, क्योंकि जब एल्गोरिथम हमको समझ में आ जाएगा तो फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं इसमें, इस नोट्स में ये भी मैं आपको भेज दूंगा, एल्गोरिथम भी रखा हुआ हूं। व्हाट इज ए एल्गोरिथम? पहले एल्गोरिथम क्या होता है? द वर्ड एल्गोरिथम मीन, एल्गोरिथम का मतलब क्या है? ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन। यानी कि एल्गोरिथम के अंदर क्या होती है? वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस किसी भी कैलकुलेशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं। प्रोग्राम क्या है? कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे दो नंबर को जोड़ना एक हम प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो दो नंबर को जोड़ने के लिए जो हम रूल्स निर्धारित करेंगे वो क्या कहला जाएगा? एल्गोरिथम। उस दो नंबर को हम कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, क्या फॉलो करेंगे उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड द एल्गोरिथम। ओके। देयरफॉर एल्गोरिथम रिफर टू बी सेट ऑफ रूल एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। हम सीधा कह सकते हैं जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ रूल या इंस्ट्रक्शंस दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हाउ ए वर्क
is to be executed upon in order to get the expected result. जिसके अंदर क्या होता है, step by step define किए जाते हैं execution order, कि हम उस problem को कैसे solve कर सकते हैं. तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम का बेसिक है कि हम इसमें इनपुट देते हैं. देखिए जो इनपुट देंगे वो क्या होगा, सेट ऑफ रूल टू अपटेन, जो रूल्स निर्धारित होंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट, जैसा हम इनपुट देंगे उसी से रिलेटेड हमको क्या मिलेगा, आउटपुट. अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिएगा. एल्गोरिथम टू एड टू नंबर एंटर्ड बाई यूजर, दो नंबर कोई भी इंटर हो और उसके उसको प्रोग्राम न बना करके उसका क्या लिखना है हमको, एल्गोरिथम. एक्चुअल में होता क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, दो नंबर का जैसे हमने प्रोग्राम सीखा था वैसे ही दो नंबर का क्या बना सकते हैं, एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. ओके, तो प्रोग्राम तो बनाते आपसे बनता है, एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, इसकी जरूरत क्या पड़ती है. जब आप डेवलपमेंट के कार्य में जाते हैं, जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क होता है, एक्चुअल में वहां होता क्या है कि जो प्रोग्रामर होता है, मेन प्रोग्रामर जो लॉजिक क्रिएट करता है, वो सिर्फ एल्गोरिथम लिखता है या फ्लोचार्ट बनाता है, वो आपको पूरा प्रोग्राम बना के नहीं देगा. आप लोग जो होंगे वहां पे वर्क करने वाले, यानी कि आप जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी रखते होंगे और एज ए ऑपरेटर वहां पे प्रोग्रामर का काम करते होंगे प्रोग्राम को टाइप करने का, उनको क्या करते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो एल्गोरिथम में अपना लॉजिक बनाकर दे देते हैं और आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर. ओके, जैसे यहाँ पे दो नंबर को एंटर करके जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए क्या एल्गोरिथम होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि स्टार्ट. ओके, कि सेकेंड हम क्या लिखेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल नम वन नम टू एंड सम. हमें तीन वेरिएबल लेना पड़ेगा, यदि हमें दो नंबर वैल्यू जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीन वेरिएबल हमको लेने की आवश्यकता होगी. पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम वेरिएबल को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे नम वन नम टू एंड सम. देखिए हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि ये वेरिएबल इंट होंगे, फ्लोट होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर लैंग्वेज के एल्गोरिथम नहीं होता है. अब एल्गोरिथम बनाने का मतलब है कि एल्गोरिथम यदि डेवलपर ने बना के दे दिया तो जिस व्यक्ति को जो लैंग्वेज आती होगी, वो व्यक्ति उसमें उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो यहां पर डिक्लेयर वेरिएबल किया, ठीक है, और यहां पर बताया कि हम नम वन नम टू एंड सम को यूज करें. ओके, ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं कि यदि मैं आपको बताना चाहूं, जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे यहाँ ले लिया हमने नम वन, नम वन एक वेरिएबल ले लिया और नम टू हमने क्या ले लिया, दूसरा वेरिएबल. यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे. ओके, इसके बाद एक वेरिएबल हमको सम की भी आवश्यकता होगी, उसको भी हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, सम को भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे. फिर तीसरा स्टेप हमारा देखिए क्या होगा, तीसरा स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, रीड वैल्यू नम वन एंड नम टू. हम किसको रीड करेंगे, नम वन एंड नम टू को. हम जो वैल्यू है वो किसको रीड कर रहे हैं, नम वन और नम टू को, दो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, यानी कि इनपुट करा लेंगे. फिर तीसरे स्टेप में हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये तीसरे स्टेप हो गया, और चौथा स्टेप हम क्या करेंगे, एड नम वन एंड नम टू एंड असाइन द रिजल्ट सम. सीधा सीधा नम वन और नम टू को हमने क्या किया, जोड़ दिया, और रिजल्ट जो आया वो किसने असाइन कर दिया, सम में. ओके, और फिर डिस्प्ले करा दिया, तो वैल्यू आपकी फिर किसको डिस्प्ले कराया, सम को, जुड़ करके वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी. ये एल्गोरिथम कहलाएगा, ये क्या बन गया, एल्गोरिथम. और कौन सा एल्गोरिथम ये बना, ये पूरा आपका एल्गोरिथम कहलाएगा. और किसका एल्गोरिथम है, ये दो वैल्यू, जो भी दो वैल्यू है नम वन नम टू को जोड़ने का एल्गोरिथम. तो आपसे
एग्जाम में पूछा जाता है कि दो वैल्यू के जोड़ने का एल्गोरिथम लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए इसमें इंग्लिश नहीं लिखना डिक्लियर ये, तो आप स्टार्ट लिखेंगे, आप सीधा लिख सकते हैं डिक्लियर। मैं एक स्टार्ट में भी यहीं पे बता देता हूँ, आप ऐसे आप इसको लिख सकते हैं डिक्लियर, और जो भी वेरिएबल लेना हो ए बी सी, कोई जरूरी नहीं है कि नाम वन, जैसा हम लेते हैं डिक्लियर लिख दिया। तीसरे स्टेप में आप लिख सकते हैं रीड या इनपुट लिख सकते हैं रीड, और रीड में लिख दिया ए कामा बी, सिंपल एल्गोरिथम बता रहा हूं मैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और फिर सीधा आपने लिख दिया एड वन रिजल्ट सम, ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथे कॉलम में आपने सीधा लिख सकते हैं कि सी इक्वल ए प्लस बी, यानी कि अपनी से हमको समझ में आ गया कि ए और बी को जोड़ा और वैल्यू किस में आ गई, सी में आ गई, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर है। और फिर पांचवे स्टेप में आप सीधे लिख सकते हैं प्रिंट या डिस्प्ले, कुछ भी लिख सकते हैं प्रिंट, प्रिंट एफ ना लिखिएगा क्योंकि प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में हो जाएगा, हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज में एल्गोरिथम नहीं लिखना है, आप प्रिंट लिखिएगा, प्रिंट मीन्स होता है इंग्लिश का मीनिंग, प्रिंट सी सीधा सी। ये भी एक सिंपल आपका क्या हो गया एल्गोरिथम, इसी को मैंने सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देंगे स्टॉप, अगला स्टॉप आपका लिख देंगे स्टॉप, और जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट, ओके। तो इस तरीके से आप एल्गोरिथम बना सकते हैं। एनी स्टूडेंट समझ में आया एल्गोरिथम, कोई भी स्टूडेंट बोलना। सर फोर्थ स्टेप एक बार फिर से समझा दीजिए। फोर्थ स्टेप ओके यस, इसमें फोर्थ स्टेप में यहाँ पे देखो ना, ये है हमारा फोर्थ स्टेप, समझो इसको। ऐड का मतलब हमको दो नंबर जोड़ना है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी की जो सम वैल्यू आई वो किस में आ गई, सी, और सी को प्रिंट करा दिया बस, ओके ओके सर। नेक्स्ट और भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। ये जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स ये भी हैं, मैंने इनको लिया है। जैसे ये फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री डिफरेंट नंबर, यदि आपने प्रोग्राम चलाए होंगे तो बहुत जल्दी एल्गोरिथम समझ में आएगा और फ्लो चार्ट समझ में आएगा। प्रोग्राम चलाया है आपने, अभी जिनने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने प्रोग्राम, नो सर नहीं नहीं सर नहीं चलाया। हाँ, तो प्रोग्राम चलाओ ना, यदि प्रोग्राम चलाओगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगी जिन लोगों ने चलाया। और जैसे शुभम गुप्ता, क्या तुमने चलाया है? जी सर चलाया है। तो एल्गोरिथम समझ में आया? जी सर। हाँ ओके तो ऐसे ही यदि आप प्रोग्राम चला के रखें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हम प्रोग्राम चला चुके हैं और उसी के आगे हम बताते हैं, ठीक। चलिए एक और मैं एल्गोरिथम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री डिफरेंट नंबर, तीन नंबर हैं, कोई भी तीन नंबर हैं, और उनमें से आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे करेंगे, उसका एल्गोरिथम लिखना है। देखिए यदि एल्गोरिथम बन जाएगा तो फिर आप प्रोग्राम भी बना लेंगे, और यदि एल्गोरिथम बन जाएगा तो आप फ्लो चार्ट भी बना लेंगे। तो एल्गोरिथम मेन चीज है, ठीक है। और हम भी अब जो लॉजिक बताया करेंगे एज ए एल्गोरिथम बताएंगे, ये भी बता दें, क्योंकि जब छोटे प्रोग्राम होते हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तक तो हमने पढ़ा दिया, प्रोग्राम बना बना के दिखा दिया, हम कितने प्रोग्राम पर डे बनाएंगे ये भी आप समझिए। हम अब क्या बताया करेंगे, एल्गोरिथम बताया करेंगे, आप उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्कैन एफ लगाओ प्रिंट एफ लगाओ, ये सब आपको करना पड़ेगा, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या होगा, और उस लॉजिक को मैं एज ए एल्गोरिथम लिखूंगा, आप उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैं एल्गोरिथम पढ़ा भी रहा हूं, ओके। देखो यदि हमको एल्गोरिथम यूज करना है, देखिए सबसे पहले तीन नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का एक एल्गोरिथम लिखना है। तीन नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का हम प्रोग्राम पढ़ चुके,
और मैं आपको बता भी चुका हूं। ओके, स्टार्ट किया, डिक्लेयर वेरिएबल एबीसी यानी कि तीन नंबर हमने क्या किए, डिक्लेयर किए। रीड एबीसी यानी कि तीनों में वैल्यू हमने क्या किया, इनपुट किया। मान लीजिए पहले में 10 दिया, दूसरे में 20 दिया, तीसरे में 30 दिया, तीनों में हमने वैल्यू क्या किया, इनपुट करा। ओके, इसके बाद अब क्या किया, अब आप ध्यान दीजिए, जब हम प्रोग्राम बताए थे, बनाया था, उस समय भी मैंने आपको समझाया था, अब तीन वैल्यू में से हमको सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है तो चेक करना पड़ेगा ना। तो हमने पहले ए की वैल्यू को स्टार्ट किया, ए की वैल्यू मतलब 10, इसको हमने चेक किया किससे, बी से, और इसी को किससे चेक किया, सी। यदि ये दोनों से बड़ी होगी तो ए बड़ी कहला जाएगी। तो सीधे एल्गोरिथम में लिखा हमने, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए भी बड़ा है बी से, देन अगली बार फिर चेक हो, इफ ए भी बड़ा है सी से तो क्या हो जाए, डिस्प्ले ए इज द लार्जेस्ट नंबर। यदि ये दोनों से बड़ा होगा तो ए क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। ओके, अब मान के चलिए ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, सी से बड़ा नहीं है तो कौन लार्जेस्ट हो जाएगा, सी। इसके एल्स में हमने लिख दिया क्या, सी। ऐसे ही सेम हमने प्रोग्राम बनाया था। ओके, फिर यदि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई यानी कि ए बी से ही बड़ा नहीं है, पहली कंडीशन ही यदि हमारी फॉल्स होती है तो यहां पे जाएगा, एल्स में जाएगा, ये भी फॉल्स होती है। यदि ए बी से ही बड़ा नहीं है तो किसको चेक किया जाएगा, बी और सी को। ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर कौन चेक हो जाएगा, ए और बी। ओके, तो जब ए और बी चेक हो गए, यहां ध्यान देना, यहां पे बी और सी चेक हुए थे, यदि ऐसा नहीं है तो फिर डिस्प्ले कौन हो जाएगा, फिर डिस्प्ले कौन हो जाएगा, डिस्प्ले बी इज लार्जेस्ट, फिर कौन डिस्प्ले हो जाएगा, बी इज लार्जेस्ट। और यदि बी सी से बड़ा नहीं है तो सी इज लार्जेस्ट, और लास्ट में स्टॉप। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए ये पूरा एल्गोरिथम है, आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, तीन नंबर में से बड़ी वैल्यू। ये नोट्स मैं आपको भेज भी दूंगा तो और समझिएगा, जहां पे समझ में ना आए तो आप बताइएगा, इसमें कई एग्जांपल्स हैं, इनको आप यूज करिएगा। ओके, फैक्टोरियल का हमने प्रोग्राम सीखा था, जिन लोगों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पहले तो आपको फैक्टोरियल पता करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे वीडियो देखिएगा। फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या होता है ये भी मैंने कई में समझा चुका हूँ, वो वीडियो देखिएगा। फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो देखिएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले एल्गोरिथम्स हैं वो मैंने इसमें दिया है, फैक्टोरियल का भी एल्गोरिथम दे दिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, इसका भी कॉन्सेप्ट समझाया था, प्रोग्राम बनाया था, इसका भी एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे दिया है, इसको भी समझिएगा। फिबोनाची सीरीज का भी मैंने प्रोग्राम बताया है आपको, और उसका भी मैंने एल्गोरिथम दिया। इस प्रकार से जितने भी प्रोग्राम हैं, किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे यदि प्रोग्राम बनाते बनता है तो आप आसानी से एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हमें पहले एल्गोरिथम बनाना फिर सीखना चाहिए, और एल्गोरिथम से उसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, प्रोग्राम। ओके, तो ये मैंने एल्गोरिथम बताया, अब आ जाते हैं फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट की पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। यदि आपसे एल्गोरिथम बनता है, जो एल्गोरिथम हमने सीखा, जब उसको हम ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहला जाता है, फ्लो चार्ट। जैसे छोटे बच्चों को होता है एबीसीडी सिखाई जाती है, तो ए फॉर एप्पल, एप्पल बना दिया जाता है तो एप्पल आसानी से समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से आपको प्रोग्राम, यदि एल्गोरिथम समझ में नहीं आता, किसी व्यक्ति को हम समझा रहे हैं एल्गोरिथम समझ में नहीं आ रहा, तो उस एल्गोरिथम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लो चार्ट में, तो उस व्यक्ति को फ्लो चार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए यूज किया जाता है क्या, फ्लो चार्ट। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, अपने लॉजिक को यदि किसी व्यक्ति को समझाना है तो पहले तो आप कोशिश करेंगे कि आप एल्गोरिथम बनाकर आप उसको समझा दें। यदि उसको एल्गोरिथम में भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप किस में कोशिश करेंगे, फ्लो चार्ट में। फिर उसको आप किस में समझा देंगे, फ्लो चार्ट।
आप क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट में उसको फिर समझा। ओके, तो आगे प्रोग्रामर ऑप्टन यूज, इसकी यदि मैं बात करूं, इट एज प्रोग्राम प्लानिंग टूल्स, जो फ्लो चार्ट होता है किस लिए यूज होता है, प्लानिंग टूल्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी प्लानिंग करना, यानी एक्चुअल में प्रोग्राम बनाने से पहले। मैं अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपको एल्गोरिथम नहीं आते थे और मैं तब तक नहीं समझा सकता था जब तक आपको मैं प्रोग्रामिंग ना पढ़ाता या जब तक आपसे प्रोग्राम ना बनते। क्योंकि अब आपसे प्रोग्राम बनते हैं इसलिए एल्गोरिथम समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें उसका एल्गोरिथम लिखना चाहिए, प्लानिंग टूल्स है, या उसका फ्लो चार्ट लिखना चाहिए। उससे क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हमको एल्गोरिथम में पहले ही सॉल्व कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंप्यूटर में बैठ गए प्रोग्राम बनाने और अब हम रखे हैं उंगली और ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या करें, क्या लॉजिक लगाएं, ऐसा नहीं है। आप कॉपी पेन उठाइए, जो भी प्रोग्राम है उसका पहले एल्गोरिथम बनाइए और एल्गोरिथम में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए कि यदि ऐसा चेक किया तो ऐसा होगा, ऐसा आउटपुट मिलेगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसमें जाएगा, मतलब पूरी प्रॉब्लम। जब पूरी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाए कॉपी में, फिर उस कॉपी को लेकर आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट। अब आपका तरीका ये है, अभी तक छोटे छोटे प्रोग्राम थे, बेसिक प्रोग्राम थे, स्टार्टिंग थी, इसलिए हमने बता दिया। अब जैसे आप प्रोग्रामिंग पे आगे बढ़ेंगे तो आप पहले एल्गोरिथम पे फोकस करेंगे, एल्गोरिथम यानी कि अपना लॉजिक पूरा कॉन्सेप्ट पूरा किससे क्लियर करेंगे, कॉपी पे बनाकर एल्गोरिथम बनाकर, और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसेस उसके रूल्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉपी पे निर्धारित करें। इसके बाद उस कॉपी को लेकर के आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाए। ओके, इट मेक यूज ऑफ सिंबल। अब फ्लोचार्ट की यदि बात करूं तो एल्गोरिथम तो आप डायरेक्ट किसी भी सिंपल वे में लिख सकते हैं, सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन फ्लोचार्ट में यूज ए सिंबल्स विच आर द कनेक्टेड अमंग देम द इंडिकेट, यानी कि इसमें क्या यूज किए जाते हैं, सिंबल्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं। द फ्लोचार्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, और फ्लो चार्ट से हमको ये पता चलती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट फॉर एल्गोरिथम इज नाउ एज द फ्लो चार्टिंग, यानी कि जो प्रोसेस होती है एल्गोरिथम को कन्वर्ट करने की, फ्लो चार्ट में जो ड्राइंग कर देते हैं वो फ्लो चार्ट जो होते हैं उसके लिए कुछ सिंबल्स निर्धारित किए गए हैं, वो सिंबल्स कौन से हैं ये जानना आपको जरूरी है। और उस सिंबल की यदि मैं बात करूं, ये बेसिक सिंबल फ्लो चार्ट में यूज होने वाले, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला सिंबल होता है टर्मिनल सिंबल, टर्मिनल सिंबल, या इसको हम कह सकते हैं स्टार्ट या स्टॉप सिंबल, कहीं कहीं आपको इसका नाम स्टार्ट या स्टॉप सिंबल भी मिलेगा। यानी कि जब भी हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे इस सिंबल से स्टार्ट करेंगे, जब भी फ्लो चार्ट क्लोज करेंगे स्टॉप करेंगे तो इस सिंबल से स्टॉप। ओके, और लॉजिक जो होगा इसी से स्टार्ट होगा और इसी से चालू होगा, तो स्टार्ट या स्टॉप सिंबल भी इसको कहते हैं। सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके, फिर दूसरा सिंबल जो यूज होता है वो होता है इनपुट और आउटपुट सिंबल, यानी कि जब भी हमको इनपुट लेना होगा प्रोग्राम में तो ऐसा सिंबल हम यूज करेंगे, सेम जैसा आप देख रहे हैं ऐसा। ये सिंबल किसके लिए होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए, जहां हमको इनपुट लेना होगा और जहां पे हमको आउटपुट। ओके, नेक्स्ट तीसरा सिंबल जो यूज होता है प्रोसेसिंग सिंबल, यानी कि जहां पे हमको प्रोसेस बतानी होगी वहां पे हम इस सिंबल का यूज। इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए सभी सिंबल्स क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, और निर्धारित किए गए सिंबल ही हमको यूज करना चाहिए, तभी आपका सही फ्लो चार्ट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला जो सिंबल यूज किया गया है डिसीजन के लिए, आप लोगों को याद आ गया होगा हम डिसीजन मेकिंग जितने भी फ्लो चार्ट बनाए हैं इस सिंबल को हमने यूज, डायमंड सिंबल कहलाता है, रिप्रेजेंटेड डिसीजन पॉइंट, डिसीजन बेस्ड ऑपरेशन सच एज एस नो क्वेश्चन इफ
कंडीशन, लूप, इनके लिए यूज किया जाता है डिसीजन। और नेक्स्ट सिंबल कनेक्टर सिंबल, जैसे कोई फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा है तो यदि आपस में कनेक्ट करना है तो इसका यूज करते हैं। और डिसीजन से भी जो ऑप्शन निकलते हैं एफ नो के, उनको भी हम कनेक्ट करते हैं। और तीसरा जो है फ्लो लाइन सिंबल है। फ्लो लाइन सिंबल का तो सीधा सा आपका कॉन्सेप्ट है, फ्लो लाइन मतलब जो लाइन आपकी यूज होती है, जैसे ये एरो, ये फ्लो लाइन कहलाती है, आप बना लीजिएगा। ये आपने देखा होगा कीबोर्ड पे लाइन दी होती है फ्लो लाइन के रूप में, इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, फ्लो लाइन। ओके, तो ये फ्लो लाइन सिंबल था। अब फ्लो चार्ट की यूजेस क्या है ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्लो चार्ट की यूज क्या है, एडवांटेज क्या, एडवांटेज रखते हैं फ्लो चार्ट हमारे, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फ्लो चार्ट आर द बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक सिस्टम, किसी भी लॉजिक को समझाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है क्या, फ्लो चार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए किसी व्यक्ति को। पहले ही बताया मैंने, यदि अपना लॉजिक हमको किसी को बताना है सबसे अच्छा फ्लो चार्ट माना जाता है। फ्लो चार्ट एक्ट द गाइड फॉर ब्लू प्रिंट डूइंग द प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम डिजाइन को बनाने के लिए उसका एक गाइड प्रोवाइड करता है और ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। यदि हम फ्लो चार्ट निकाल लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो हमको उससे सजेशंस मिलते हैं और साथ में प्रोग्राम डेवलप करने में आसान होता है। फ्लो चार्ट हेल्प इन द डिबगिंग प्रोसेस, डिबगिंग प्रोसेस का मतलब है एरर, प्रोग्राम में जो एरर्स आती हैं उनको जल्दी से फाइंड आउट किया जा सकता है। विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम कैन बी इजिली एनालाइज, जो आपका फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोग्राम बनाया गया होगा वो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके, इट प्रोवाइड बेटर डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, फ्लो चार्ट सर्व एज ए गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है मैंने पढ़ाया था आपको, पहला ही स्टार्टिंग सेक्शन होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, इट इज अ डिफिकल्ट ड्राफ्ट फ्लो चार्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, समय ज्यादा लगता है फ्लो चार्ट को बनाने। इन दिस दे नो स्टैंडर्ड डिटरमाइन द अमंग द डिटेल, कोई स्टैंडर्ड ज्यादा डिटेल नहीं इसमें होती है, जबकि एल्गोरिथम में ज्यादा डिटेल होती है। डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस फ्लो चार्ट, एक बार बनाने के बाद दोबारा उसको बनाना पड़े तो फिर डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट बनने के बाद यदि उसमें चेंजेस करना पड़े तो और ज्यादा। ओके, तो आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल, जिससे आपको फ्लो चार्ट भी समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने एल्गोरिथम, अब फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, जो सिंबल हमने निर्धारित किए ये देखिए, एक एग्जांपल है, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू इनपुट टू, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का फ्लो चार्ट, हमने दो नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया है और सीखा है। आप उसका एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम भी मैंने बता दिया। अब दो नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसका फ्लो चार्ट आइए समझते हैं। देखिए सबसे स्टार्टिंग टर्मिनल, स्टार्ट जो मैंने अभी सिंबल यूज किया था, उसके बाद इनपुट, इसको आप क्या यूज किया, ये स्टार्टिंग टर्मिनल हो गया, वही सिंबल आपको यूज करना है, ये फ्लो लाइन हो गई। ये जरूरी नहीं है कि डबल डबल बनाए, ये तो आप सिंगल भी बना सकते हैं, मतलब सिंगल आप ऐसा यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि डबल लाइन आप उससे चलाएं, सिंगल लाइन ही यूज करिएगा। ओके, डिजाइनिंग के लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें वर्ड में बना है इसलिए डबल, ठीक है, तो आप सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं। ये देखिए इनपुट हुआ, इनपुट वन, इनपुट टू, दो नंबर हमारे इनपुट हो गए। इसके बाद ये डिसीजन, ये भी आप सिंगल बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, सारे आप सिंगल बनाइएगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यदि नम वन बड़ा है नम टू से, यदि नम वन बड़ा है नम टू से, तो नम वन बड़ा होगा, कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू है आप सिंगल लाइन दे सकते हैं, तो डिस्प्ले नम वन, क्या डिस्प्ले हो जाएगा, नम वन।
और यदि कंडीशन फॉल्स, नम वन बड़ा नहीं है नम टू से, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? नम टू। ओके, और सीधा सा आप इसको, ये कनेक्टर हुआ हमारा जो अभी सीखा था, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, चाहे इधर से वैल्यू आए चाहे इधर से आए, दोनों साइड से हमारा क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा फ्लो चार्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा? स्टॉप। ओके, आप दोनों साइड से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा और स्टॉप भी हो जाएगा। आप इसको यहां से भी यूज कर सकते थे, जैसे ये जो यहाँ लिखा है फॉल, हम ऐसा भी लिख सकते थे, हमने कुछ फ्लो चार्ट ऐसे भी बनाए हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता था डिस्प्ले नम टू। आप दोनों जगह से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं फ्लो चार्ट, यहाँ से यहाँ ना लिख करके यहाँ मैं लिख सकता था फॉल्स और इसको कनेक्ट कर देता, ये भी फ्लो चार्ट सही है। मतलब आपस में लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए फ्लो चार्ट का, और लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब देखिए आपको आसानी के साथ फ्लो चार्ट में लॉजिक समझ में आ रहा होगा, कैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनपुट हुआ, इनपुट वन हुआ, इनपुट टू हुआ, फिर यहाँ कंडीशन चेक की गई, यदि कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले वन और बाहर, यदि कंडीशन फॉल्स है तो डिस्प्ले टू और बाहर। इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ओके, इसमें मैंने कुछ फ्लो चार्ट भी दिया है, वेरियस फ्लो चार्ट, इनको समझने की आप कोशिश करिएगा। आज मैं ये नोट्स आपको भेज दूंगा, ये देखिए बहुत सारे इसमें फ्लो चार्ट मैंने दिया हुआ है, और आप इसको समझिएगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स आती है फ्लो चार्ट में तो आप बताइएगा। ओके, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं। ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? नो सर। ओके, ठीक, यदि इसको एक बार चलाइएगा, इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट नोट्स मैं आज आपको सेंड करता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू सर।